विदर्भा के हमारे कैंडिडेट्स प्रशांत पडोले जी, नामदेव किरसन जी, विकास ठाकरे जी, प्रतिभा धनोरकर जी, श्याम बारवे जी, स्टेज पे इंडिया अलायंस के सब नेता, पार्टी के और अलायंस के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, भैया आप सबका यहां बहुत स्वागत। ये आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा है, ये हमारे मैनिफेस्टो के 5 सबसे बड़े वायदे हैं। और अगर आप देखेंगे, बहुत सोच समझ के हमने ये मैनिफेस्टो बनाया है। ये मैनिफेस्टो बंद कमरों में नहीं बना, ये मैनिफेस्टो हजारों लोगों से बातचीत करके, किसानों से मिलकर, मजदूरों से मिलकर, महिलाओं से, बुजुर्गों से बातचीत करने के बाद यह मैनिफेस्टो बना है। और इस पे जरूर हमने कांग्रेस पार्टी का निशान लगाया है, मगर सचमुच में यह जनता का मैनिफेस्टो है, यह कांग्रेस पार्टी का नहीं है, यह आपका है। आपकी आवाज, आपकी मन की बात हमने यहां स्टेज पे लिख दी है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मगर इससे पहले देश की हालात के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने चुने हुए अरबपतियों के लिए सरकार चलाई है। नाम आप जानते हो, सबसे बड़ा नाम अदानी जी, अदानी का नाम है। घर जाएंगे तो गूगल पे उनकी शेयर प्राइस जो है उसको देख लेना। जिस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, उस दिन के बाद अदानी की शेयर प्राइस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और पूरा देश जानता है कि इसको नरेंद्र मोदी की सरकार कहा जाता है, मगर सचमुच में यह अदानी की सरकार है, एक अरबपति की सरकार है। और सब कुछ अदानी के लिए किया जाता है। महाराष्ट्र में आपका एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट था, किसी और के हाथ में था, उस पर सीबीआई इंक्वायरी होती है, दबाव लगाया जाता है, धमकाया जाता है, और जादू से कुछ ही दिन बाद वो एयरपोर्ट अदानी जी के हवाले कर देता है, सब इंक्वायरी बंद हो जाती है, सीबीआई शांत हो जाती है, अदानी जी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट चलाते हैं। और ये सिर्फ एयरपोर्ट के साथ नहीं हुआ है, ये पोर्ट्स के साथ हुआ है। हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स इनके हाथ में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हुआ है, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, फायदा उन्हीं को जाता है, खदान उनकी, कोयला उनका, सोलर पावर उनका, विंड पावर उनका, बिजली उनकी, सारा का सारा अदानी जी के लिए। और 5-10 और होंगे। इससे हुआ क्या कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं, 22 सिर्फ 22
जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास। मतलब देखिए, 22 लोग पहली लाइन में 22 लोग बैठे हैं। आप सोचिए, इतने लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 50% आबादी के हाथ में है। और 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी कभी धर्म की बात करेंगे, कभी गरीबों की बात करेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम कहेंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, और लक्ष्य एक ही है कि आपका जो धन है आपको पता भी नहीं लगता, जो आप जीएसटी में देते हो, आप शर्ट खरीदते हो टैक्स लग जाता है, पेट्रोल खरीदते हो टैक्स लग जाता है, जूते खरीदते हो, टूथपेस्ट खरीदते हो, जो भी आप खरीदते हो उसमें टैक्स लग जाता है, और आप उतना ही टैक्स देते हो जितना गौतम अदानी देता है। अगर आपने शर्ट खरीदी, 500 रुपए की शर्ट खरीदी, आप भी 18% दोगे, अदानी भी 18% देगा, और आपकी आमदनी हजारों में, उसकी आमदनी हजारों करोड़ों में, टैक्स एक ही देते हो। 24 घंटा मीडिया प्रधानमंत्री का चेहरा टीवी पे दिखाता है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला, 4000 किलोमीटर चला, और रास्ते में हजारों लोगों से मेरी बातचीत हुई, किसानों से, युवाओं से, सबसे मिला मैं। मैं पूछता था सबसे जरूरी मुद्दा कौन से हैं, कौन सा है, सब लोग जवाब देते थे बेरोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई, किसान को सही दाम नहीं मिलते, गरीबों की इस देश में कोई भागीदारी नहीं, ये मुद्दे थे। और आप 24 घंटा टीवी देखो, ना आपको बेरोजगारी के बारे में बताएंगे, ना आपको महंगाई के बारे में बताएंगे, आपको कोई किसान नहीं दिखेगा, कोई मजदूर नहीं दिखेगा, आपको बॉलीवुड के स्टार दिख जाएंगे आगे पीछे नाचते हुए, आपको क्रिकेटर दिख जाएंगे, आपको नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे, कभी वो आपको समुद्र के नीचे दिखेंगे पूजा करते हुए, वहां पे मतलब मजाक बना रखा है, पूजा हो रही है, पंडित भी नहीं है, अकेले बैठे समुद्र के नीचे आर्मी वालों के साथ। और फिर एकदम समुद्र से आसमान में जाएंगे, सी प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, ऊपर से कोविड आएगा, लाशों के ढेर पड़े हुए हैं, गंगा में लाखों लाश चल रही हैं, हजारों लाशें चल रही हैं, और प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ। नहीं, और मीडिया कहता है देखो प्रधानमंत्री ने क्या गजब की बात बोली है, कमाल कर दिया, वहां पे सांस नहीं ली जा रही, लोग दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मीडिया कह रही है देखो कमाल किया मोदी जी ने, थाली भजवा दी हिंदुस्तान से, मरते हुए हिंदुस्तान से थाली भजवा दी। उसके बाद कहते हैं भाइयों और बहनों मोबाइल फोन जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट चलाओ, वो चला दी। फिर मीडिया कहता है देखो कमाल की बात की मोदी जी ने, हिंदुस्तान में सेलफोन की लाइटें जला दी, और बाकी दुनिया देख रही है कह रही है ये क्या हो गया भाई, और कोई प्रधानमंत्री थाली नहीं भजवा रहा था, वो बचा रहे थे लोगों को, जान बचाने में लगे थे, तो मजाक सा बना रखा है, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ और बोलेंगे,
बस आपका ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आप उनका भाषण सुनो, ध्यान से सुनो, उनका काम आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने का है। अदानी जी का काम आपका धन आपके जेब में से निकालने का है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूं, ठीक है आप ओबीसी हैं, तो ओबीसी के सामने, पिछड़े वर्ग के सामने एक सबसे बड़ा सवाल है। इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कोई कहता है 50% है, कोई कहता है 55% है, कोई जानता ही नहीं है। मगर मैं आपको एक बात कह सकता हूं, जितनी आपकी आबादी है उतनी आपकी भागीदारी इस देश में है ही नहीं, यह मैं गारंटी कह के कह सकता हूं। जितनी आबादी आदिवासियों की है उतनी भागीदारी आपकी नहीं है, जितने इस देश में दलित हैं उनकी भागीदारी नहीं है। मीडिया की लिस्ट निकालो, मोदी मीडिया है, मगर देखिए आपको आपको आंकड़े पकड़ने चाहिए, आपको आंकड़े निकालने चाहिए। देखिए यहां बैठे हैं, ये जनता की आवाज कभी नहीं उठाते, मैं इनके सामने बोल रहा हूं, इनकी गलती नहीं है, ये जूनियर लोग हैं, इनको गुलाम बना के रखा हुआ है वहां पे, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको ऑर्डर आता है, इन बेचारों को सैलरी लेनी है, बच्चे पालने, इनकी गलती नहीं है, पीछे से ऑर्डर आता है। मगर आप इनकी लिस्ट निकालिए, हिंदुस्तान के मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, इनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, बड़े बड़े जो इनके एंकर्स हैं जो 24 घंटा टीवी पे आते हैं, टिप्पणी करते हैं, ज्ञान देते हैं देश को, उनकी लिस्ट निकालिए। मैंने निकाली है, इसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं मिलेगा, एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए ये आपकी बात नहीं करते, क्यों करें, ये आपके हैं ही नहीं, इनको छोड़िए। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, सब जानते हैं 200 बड़ी कंपनियां कौन सी हैं, उनकी लिस्ट निकालिए, उनकी मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, उनके बड़े बड़े अफसरों की लिस्ट निकालिए, मुझे दिखा दीजिए उसमें ओबीसी कौन है, पिछड़े वर्ग का बता दो, दिखा दो मुझे कौन है वहां पे। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में एक ओबीसी वर्ग का मालिक नहीं है, एक दलित मालिक नहीं है, एक आदिवासी मालिक नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने पता लगाया है, मैंने लिस्ट निकाली है, मतलब 90% आपकी आबादी, और हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में आपका एक आदमी नहीं, मीडिया में आपका एक आदमी नहीं, प्राइवेट अस्पताल के मालिक की लिस्ट निकाली उधर आपका कोई नहीं, सबसे बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी इनकी लिस्ट निकाले उधर आपको नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे भैया ये तो हमारा काम नहीं है, तो फिर ठीक है, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, बजट बढ़ता है, महाराष्ट्र को पैसा आता है, तमिलनाडु को पैसा जाता है, सड़कों में लगाया जाता है, डिफेंस में जाता है, बजट को 90 लोग बांटते हैं, 90 आईएएस अफसर हैं, लाखों करोड़ रुपए वो बांटते हैं, डिसाइड करते हैं कहां जाएगा, आपके बच्चों की शिक्षा में कितना जाएगा। 90 नाम में से एक नाम दलित है, एक नाम आदिवासी है, तीन नाम ओबीसी है, आपकी आबादी 50% और 90 में से तीन, और वो भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट में पीछे कहीं बैठे हुए हैं, बड़े डिपार्टमेंट में कोई नहीं है,
और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो दलित ओबीसी आदिवासी अफसर 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी कहां 90% भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे, और फिर प्रधानमंत्री कहते मैं ओबीसी हूं। कैसे ओबीसी हुआ? पिछड़ों का आपने क्या किया? ओबीसी के लिए क्या किया आपने, ये बता दो मुझे। कौन सी योजना आप लाए हिंदुस्तान के किसानों के लिए, वो ओबीसी हैं? गरीबों के लिए कौन सी योजना लाए, जो छोटा व्यापार चलाते हैं उनके लिए कौन सी योजना लाए मुझे बता दो। एक योजना नहीं लाए आप। आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय लेता है, दलित 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय लेता है, पिछड़े वर्ग ओबीसी 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब आप कहोगे राहुल गांधी ने बात तो बता दी मगर सॉल्यूशन क्या है, इसको ठीक कैसे किया जाए? मैं बताता हूं, जाति जनगणना। किसी को चोट लगती है सबसे पहले डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे करो, 1 मिनट में पता लग जाता है। तो हमारा पहला वायदा सरकार बनने के एकदम बाद जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, संस्थाओं का सर्वे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है, कितना धन पिछड़े वर्ग के हाथ में है, कितना दलितों के हाथ में है, कितना आदिवासियों के हाथ में है, कितना गरीब जनरल कास्ट के हाथ में, कितना माइनॉरिटीज के हाथ में, हिंदुस्तान की संस्थाओं में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, कहां कौन सी पोजीशन पे, जाति जनगणना से ये सब पता लग जाएगा। और क्रांतिकारी काम है, देखिए हम आपका टाइम जाया नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी आजादी के लिए लड़ी, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, बैंक नेशनलाइजेशन, ये काम हम करते हैं आपके लिए, आपके साथ मिलके। तो ये क्रांतिकारी काम है, इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा भागीदारी किसकी है, कितनी है, कहां है। तो ये पहला कदम है। दूसरा कदम, यहां पे महिलाएं आई हैं, आप देश के भविष्य की देखभाल करती हो और आप डबल काम करती हो, आप जॉब भी करती हो और आप घर भी चलाते हो, चलाती हो, बच्चों की भी देखभाल करती हो, करती हो नहीं करती हो? मगर इसके लिए आपको कभी सही कॉम्पेंसेशन नहीं दिया गया, सही बात है ना? आप जाके जॉब करते हो, आप पुरुष हो, आप जाके जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलती है, आपकी बीवी घर में काम करती है वो भी जॉब करती है, जॉब के लिए उसको सैलरी मिलती है, मगर जो घर में काम करती है उसके लिए उसको कुछ नहीं मिलता। तो आपको 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 मिलता है, मगर ये डबल काम करती है इनको डबल पैसा नहीं मिलता। तो ये बातचीत हमने कांग्रेस पार्टी में की और हमने निर्णय लिया कि देखिए जो महिलाएं हिंदुस्तान के भविष्य के देखभाल कर रही हैं, जिनको उसके लिए कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता है, पहली बार दुनिया में कोई भी सरकार क्रांतिकारी काम करने जा रही है। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की हम लिस्ट निकालेंगे, जो भी गरीबी रेखा के नीचे होंगे सारे परिवारों के हम लिस्ट निकालेंगे, हर परिवार में से एक महिला को हम चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए आपकी अगली सरकार डाल देगी। हर महीने
ठकाठक 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 8,500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। 1 तारीख को आप उठेंगी, बैंक में जाएंगी और देखेंगे कि भैया 8,500 रुपए सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया। और ये कोई तोहफा नहीं है, गिफ्ट नहीं है, ये मत सोचिए कि ये गिफ्ट है। जो आप हर रोज घर में करती हो, मदद करती हो, बच्चों की देखभाल करती हो, हिंदुस्तान के भविष्य की देखभाल करते हो, इसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा अदानी की सरकार ने 22 लोगों को पकड़ा दिया, 24 साल का मनरेगा। तो हमने डिसाइड किया है जितना उन्होंने 22 लोगों को दिया है उतना हम हिंदुस्तान के गरीबों को उठा के दे देंगे। तो हर महीने पहले तारीख को करोड़ों महिलाओं को बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार देने जा रही है। अब सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कुछ नहीं किया, उल्टा नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू कर दी, अग्निवीर दे दिया और जो रोजगार बनता था वो भी खत्म हो गया। तो दो चीजें तो मैं पहले ही कह देता हूं, ये जो इनका अग्निवीर का स्कीम है आते ही हम इसको रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए। एक शहीद जिसको सरकार पेंशन देगी, उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, उसके परिवार की रक्षा होगी, और दूसरा अग्निवीर शहीद जिसके परिवार को कहा जाएगा कि तुम्हारे बेटे को या बेटी को हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे, तुम्हें कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी। यह बिल्कुल गलत है। अगर 2 युवाओं ने देश के लिए अपना खून दिया तो दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। इसीलिए हम अग्निवीर स्कीम को पहले दिन आके खत्म करेंगे। और भाइयों और बहनों, एक बात समझिए, यह स्कीम आर्मी नहीं चाहती, यह स्कीम आर्मी ने नहीं मांगा, यह स्कीम प्रधानमंत्री के ऑफिस ने बनाया है, उधर से बना है। प्रधानमंत्री ने यह स्कीम लागू की है, प्रधानमंत्री के ऑफिस ने सेना को कहा है कि तुम अग्निवीर बनाओ। और हिंदुस्तान का कोई युवा ऐसा नहीं है जो अग्निवीर चाहता है। पहले रिक्रूटिंग सेंटर्स होते थे, वो सब बंद पड़े हैं, कोई नहीं जा रहा वहां पे, क्योंकि सब जानते हैं अग्निवीर बनेंगे, पेंशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, कैंटीन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले इसको रद्द करेंगे। दूसरा काम, ये जो इन्होंने गलत जीएसटी लागू की है जिससे छोटे व्यापारी खत्म हो गए हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस खत्म हो गए हैं, ये 5 अलग अलग टैक्स, दलाली वाली जीएसटी, एक्सट्रोशन वाली जीएसटी, इसको हम बदलेंगे। 1 टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, और जो हमारे किसान हैं जो आज टैक्स दे रहे हैं उनकी बात मैं थोड़ी देर में कर रहा हूं, मगर कम से कम टैक्स होगा और 1 टैक्स ब्रैकेट होगा। 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इनको नहीं भरा। 30 लाख वैकेंसी हम भर के आपको पकड़ा देंगे। गरीब
गरीब घर के बेटे बेटियां बेरोजगार हैं, अमीर घर के बेटे जब जॉब मार्केट में जाते हैं वो अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप अंग्रेजी शब्द है मगर इसका मतलब कि उनका 6 महीने का, 1 साल का, 1 साल की जॉब लगती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिस में उनको जॉब लगती है, उनकी ट्रेनिंग होती है और फिर अगर वो अच्छा काम करते हैं उनकी जॉब परमानेंट हो जाती है। मगर ये अधिकार और ये मौका हिंदुस्तान के गरीब युवाओं को नहीं मिलता है। हम आपके लिए मनरेगा लाए थे, रोजगार का योजना, रोजगार का अधिकार, अब हम आपके लिए हिंदुस्तान के युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप का अधिकार ला रहे हैं। इससे क्या होगा, जिसके पास डिप्लोमा है, कॉलेज डिग्री है, यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उन सबको यह अधिकार मिलेगा। प्राइवेट कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, सरकारी ऑफिसेज में, इन सबको 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, 1 साल का उनको 1 लाख रुपया मिलेगा और उनकी ट्रेनिंग होगी। गरीब से गरीब युवा हिंदुस्तान में अप्रेंटिसशिप कर पाएगा, ट्रेनिंग ले पाएगा, 1 साल में 1 लाख रुपया उसके जेब में आएंगे, बैंक अकाउंट में आएंगे और फिर उसके बाद अगर वो अच्छी तरह काम करेगा तो उसकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। किसी भी सरकार ने, दुनिया में किसी भी सरकार ने ऐसा क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया है, ये हम करने जा रहे हैं। यात्रा में यहां से निकला, बहुत सारे युवाओं ने कहा हम पढ़ाई करते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, बेईमान लोग फायदा उठा जाते हैं, हम देखते रह जाते हैं, तो हम एक नया कानून लाएंगे, पेपर लीक के खिलाफ कानून, सख्त कार्रवाई होगी और जो भी पेपर लीक करवाएंगे उनको हम जेल में डाल देंगे। और आजकल जो फैशन बनाया है मोदी जी ने कि प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट कंपनीज एग्जाम दिलवा रही हैं, इसको हम बंद करेंगे, कोई प्राइवेट कंपनी एग्जाम नहीं दिलवाएगी, सरकार एग्जाम दिलवाएगी, सरकार एग्जाम मार्किंग करेगी, टेस्टिंग करेगी। मैंने किसानों की बात की, पूरे देश में किसान उदास है, डरा हुआ है और किसान, किसी भी किसान से बात करो दो चीजें कहता है, एक सवाल कि राहुल जी अरबपतियों का कर्जा माफ हो जाता है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर हमारा कभी कर्जा माफ नहीं होता, क्यों नहीं? और दूसरा, प्राइवेट कंपनियों को उनके प्रोडक्ट के लिए सही दाम मिलता है मगर हिंदुस्तान के किसान को सही दाम कभी नहीं मिलता, क्यों? ये दो सवाल हजारों किसानों ने मुझसे पूछे, यात्रा में पूछे, हर रोज, राहुल जी ये क्यों हो रहा है? तो मैं उन किसानों से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आएगी तो ये नहीं होगा। सबसे पहले जैसे हमने आपका कर्जा माफ किया था, हम फिर से हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और जो उनकी सबसे बड़ी डिमांड है, हिंदुस्तान का हर किसान कह रहा है कि हमें कानूनी एमएसपी चाहिए,
कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, वो हम हिंदुस्तान के किसानों के लिए करने जा रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान में कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारी सरकार हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रही है। ये हमारी गारंटी है, हम आपको झूठ नहीं बोलते हैं। आप जानते हो ये आपकी आवाज है, ये आपने हमें बताया है। हम कोशिश भी करते, आपके बिना ऐसा हम मैनिफेस्टो नहीं लिख पाते, क्योंकि ज्ञान जानकारी आप में है, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों में है। तो हम आपकी सरकार चलाएंगे, हम अदानी की सरकार नहीं चलाएंगे। हम किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की सरकार, व्यापारियों की सरकार चलाएंगे। हमारी कोशिश हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार देने की होगी, किसानों की रक्षा करने की होगी। हमारा चेहरा आपको टीवी पे नहीं दिखेगा, क्योंकि टीवी आपका है ही नहीं, टीवी अदानी का है, टीवी उन्हीं 22 लोगों का है। उधर आप मोदी जी का चेहरा देख सकते हो। ये टीवी वाले, ये जो हमारी क्रांतिकारी गारंटियां हैं, ये कभी नहीं दिखाएंगे। धर्म की बात करेंगे 24 घंटा, मगर जब राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को अंदर नहीं जाने दिया तो मीडिया ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, चुप थे। देश के राष्ट्रपति को, देश की राष्ट्रपति को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आने दिया, क्यों? क्योंकि वो आदिवासी है। मगर मीडिया ने एक शब्द नहीं बोला, चुप थे बिल्कुल। मैं देख रहा था, वहां पे अदानी बैठे थे, अंबानी बैठे थे, सब बैठे थे, लाइन लगी हुई थी, बॉलीवुड के सारे स्टार बैठे थे, क्रिकेटर बैठे थे, मगर वहां एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं था, एक आदिवासी नहीं था। ये सच्चाई है। और इन 5 में से हिंदुस्तान के लिए सबसे जरूरी, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए सबसे जरूरी जाति जनगणना है, क्योंकि इससे जो आपके साथ धोखा हो रहा है, जो आपको झूठ बोला जा रहा है, वो सबके सामने आ जाएगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ओबीसी की सरकार है, गरीबों की सरकार है। नहीं, गरीबों की नहीं है, ओबीसी की नहीं है, दलितों की नहीं है, आदिवासियों की नहीं है, गरीब जनरल कास्ट की नहीं है, 22-25 लोगों की है। हमारी सरकार ये 5 काम आपके लिए करके, गारंटी करके मैं यहां कह रहा हूं, ये हम आपके लिए करके दिखा देंगे। आप सब आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।